सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैट हॉरोस की तरह आज भी मैं आपके लिए आया हूँ गर्मा गर्म टेक न्यूज ऑब्जर्वेशन टाइम। पहली न्यूज है वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस के सीईओ ने कहा है कि वन प्लस टीवी में एक ऐसा फीचर है ना, जब आपको कॉल आएगा इनका वो ऑटोमेटिक अपना वॉल्यूम लो कर लेगा। ये एक अच्छा फीचर है, इसके लिए एक लाइक बनता ही है। इन्होंने आज लिनोवो K10 प्लस इंडिया में लॉन्च कर दिया है, और जिसकी प्राइस है 11,000 रूपए, और इसमें हमें स्नैपड्रैगन 632 मिल रहा है। आप समझदार है, इसे लेना है नहीं लेना है। सैमसंग गैलेक्सी A70s अगले महीने लॉन्च होने वाला है, कंफर्म हो चुका है, और इसमें 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर होने वाला है। Asus ROG Phone 2 इंडिया में ऑफिशियल हो चुका है, जिसकी प्राइस से 38,000 में स्नैपड्रैगन A55 प्लस, बहुत अच्छी प्राइस रखी है Asus वालों ने। आप इसे खरीद सकते हैं क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन A55 प्लस है और ये गेमिंग फोन है। एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि इंडिया में 5G फुल डेवलपमेंट 5 या 6 साल लगेंगे फुल डेवलपमेंट के लिए, अभी बहुत देरी है। फोर्टनाइट यूजर के लिए अच्छी बात है कि उसमें बैटमैन वाला फीचर आ जाए, आप उसके कैरेक्टर अब यूज कर सकते हो, उसकी सीन्स और सब कुछ यूज कर सकते हो। रीमिक्स अल्फा में होने वाला है 100 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर। मैंने एक वीडियो उसके सारे स्पेसिफिकेशन पता चल गया है उसके ऊपर बनाया है, यहाँ पर काट देता हूँ, आप देख लेना। सैमसंग गैलेक्सी A20s आज इंडिया में लॉन्च चुका है, और जिसकी प्राइस है 12,000 रूपए। स्पेसिफिकेशन अच्छे है, आप इसे फोन ले सकते हैं, बुरा फोन नहीं है। ओप्पो रेनो एस में कंफर्म हो चुका है, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर मिलने वाला है। रियलमी X2 का भी स्पेसिफिकेशन पता चल गया है, और इसमें कोर कैमरा होने वाला है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, और मीडियाटेक हीलियो 730G होने वाला है, इसके लिए एक लाइक कर ही देना। दोस्तों आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद है इसे लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन क्लिक भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।